This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी पर। आज की तारीख है 30 जून 2022 और मैं निशा लेकर आई हूँ आज शाम की कागज नगर की ताजा तरीन खबरें। आइए देखते हैं हेडलाइंस। श्री वेद भारती पीठ पाठशाला में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची सुहासिनी जी। राशन डीलरों को मिली नई मशीन। दोनों सरकार से जनता परेशान, रावी श्रीनिवास। पूरे जुलाई महीने चलेगी ऑपरेशन मुस्कान 08। इंटर के परिणाम ने कोमरम भीम जिला सेकंड नंबर पर। लोगों को मदद करना है पुण्य का काम, कहा कागज नगर पुलिस ने। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। श्री वेद भारती पीठ देखिए, सब्सक्राइब किए और आपको समझ में आएगा कि वेद मतलब क्या है, हमारे धर्म को लेके कैसे जा रहे हैं और कितना अच्छा आपको शिक्षा मिलेगा। आपको ये चैनल देखे तो समझ में आ जाएगा, सब्सक्राइब कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ये चैनल कैसा। विद्या के शहर बासर में स्थित श्री वेद भारती पीठम के मुख्य कार्यक्रम श्री गंगा आरती में भाजपा महिला मोर्चा राज्य कार्यवर्ग सदस्य सुहासिनी जी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में सुहासिनी ने वहां शिक्षा ले रहे विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ मिलकर गोदावरी जी की आरती की। साथ ही विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने श्री वेद भारती पीठम को एक उत्कृष्ट विद्यालय संस्था बताया। इस संस्था में वेद और सनातन संस्कृति से जुड़ी विद्या छात्रों को दी जाती है। कल जिला केंद्र आसिफाबाद में राशन डीलरों की बैठक बुलाई गई। इस बैठक को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी PDS विभाग ने बुलाई। इसमें राशन डीलरों को नए मशीन दिए गए। बता दें कि कई सालों से डीलरों को पुरानी मशीनों से काम चलाना पड़ रहा था, अब नई मशीन मिलने के बाद उन्हें मशीन चलाना सिखाया भी गया। साथ ही दुकान को चलाने के नए तरीकों के बारे में चर्चा की गई। कांग्रेस में शामिल होने के बाद अपनी पहली प्रेस वार्ता में रावी श्रीनिवास ने केंद्र और राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इन दोनों सरकारों ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। आज महंगाई इतनी बढ़ गई है, पेट्रोल और डीजल के दाम कम ही नहीं हो रहे। आए दिन दंगे फसाद हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। ऊपर से जनता को बताए बगैर BJP केंद्र सरकार अचानक से कानून पारित करवा कर जनता पर थोप देती है। नरेंद्र मोदी की सरकार से जनता नाराज है। बची कुची कसर राज्य में TRS पार्टी पूरी तरह कर रही है। किसानों को KCR परेशान कर रहे हैं, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, हत्या का दौर जारी है। ऐसे में जनता को पुराने दिन याद आ रहे हैं जब केंद्र और राज्य सरकार में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। जनता चाहती है कि यशस्वी युवा नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने। पूरे जुलाई के महीने में कोमरम भीम जिला पुलिस द्वारा ऑपरेशन मुस्कान 08 चलाई जाएगी। इसकी घोषणा आज SP कार्यालय में एडिशनल SP अच्छेश्वर राव जी ने की। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल स्वाति लाखड़ा जी के निगरानी में की जाएगी। इस कार्यक्रम में सभी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पुलिस विभाग सभी माता पिता को प्रेरित करेगी। साथ ही बाल मजदूरी कर रहे बच्चों पर भी नजर रखी जाएगी और बाल मजदूरी करवाने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इंटर के रिजल्ट आ गए हैं। ऐसे में कोमरम भीम जिले में बड़ी मात्रा में बच्चों ने इंटर की परीक्षा पास की है। हमारे दर्शकों को बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि स्टूडेंट पासिंग परसेंटेज में कोमरम भीम जिले ने पूरे तेलंगाना राज्य में सेकंड रैंक हासिल किया है। इस बात की घोषणा इंटरमीडिएट बोर्ड के जिला अधिकारी श्रीधर सुमन जी ने की, जिसके बाद उन्होंने पूरे जिले के जूनियर कॉलेज और उसमें काम करने वाले शिक्षकों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। पुलिस मी कोसम कार्यक्रम के तहत आज कागज नगर टाउन पुलिस ने शहर के वार्ड्स में घूम घूम कर गरीबों को राशन और जरूरत का सामान बांटा।
सर्किल इंस्पेक्टर श्री रविंद्र जी ने कहा कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, ऐसे में हम सभी को गरीब लोगों को सशक्त करने के लिए उनकी मदद करनी चाहिए। पुलिस विभाग की तरह कागज नगर के सभी समाज सेवी संस्थाओं को भी शहर के गरीबों की मदद करनी चाहिए ताकि इन्हें समाज में सम्मान के साथ रहने के अधिकार मिले, जिससे कि वे अपराधों से दूर रहे। तो दर्शकों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपको अपनी कोई राय हमें देनी हो तो आप कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों, परिजनों और ख़ास तौर पर कागज़ नगर के साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बने बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए। नए वीडियोस आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। मिलते हैं नए खबरों के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।